केएन कॉलेज में आयोजित की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यशाला का शनिवार को समापन हुआ। 6 दिवसीय इस कार्यशाला में छात्राओं को प्रैक्टिकल की जानकारी दी गई। अक्सर देखा जाता है कि मॉडल्स बने बनाए आते हैं, लेकिन इसकी कार्य प्रणाली की जानकारी स्टूडेंट्स को नहीं होती है। इसी को देखते हुए केएन कॉलेज के विज्ञान संकाय के भौतिक शास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। फरवरी माह में स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल शुरू होंगे, ऐसे में ये कार्यशाला काफी उपयोगी साबित होगी। कमला नेहरू कॉलेज में 6 दिवसीय इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से संबंधित ये कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका समापन आज शनिवार को हो रहा है। फिजिक्स सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल वजह सबसे टफ मानी जाती है, तो उस प्रैक्टिकल विषय को सिंपल वे में समझाने के लिए जनरली क्या हम जब कंपनी से प्रैक्टिकल लेते हैं तो वो एक बोर्ड के रूप में होता है, उसके इंटरनल क्या रेजिस्टेंस लगे हुए कैप्चर उसके बारे में स्टूडेंटों को नॉलेज नहीं होती। तो जब हम एक प्लेन बोर्ड लेके स्टूडेंटों से उसमें पहले उसका जो सर्किट है उसको ड्रा कराते हैं, ड्रा करने के बाद उसमें होल भी स्टूडेंटों के द्वारा कराते हैं, और उसमें जब रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ट्रांजिस्टर जब सीरीज पैरेंट का जब इनको जोड़ना बताया जाता है, और लास्ट में जाके जब ये आउटपुट उससे रिजल्ट प्राप्त होते हैं, और जो हम कंपनी से जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे जो आउटपुट रिजल्ट प्राप्त होते हैं, दोनों का जब हम कंपेरिजन करते हैं तो इन्हें बहुत ही खुशी मिलती है, और उनके हाथ के द्वारा जो प्रैक्टिकल है उनसे भी रिजल्ट वही प्राप्त होते हैं। अतः फिजिक्स सब्जेक्ट जो सबसे टफ सब्जेक्ट मानी जाती है उसको सिंपल वे में समझने के लिए ये कार्यशालाओं को हम हर एक साल, इससे पहले भी फर्स्ट बार हमने आयोजित की, सेकंड बार, तो इससे फिजिक्स सब्जेक्ट इनको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया, ताकि इनके जूनियर्स जो भी आने वाले वो भी फिजिक्स सब्जेक्ट ले सके। हमारे ग्रुप को RC सर्किट का प्रैक्टिकल मिला गया है। इस वर्कशॉप से हमको बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी तक हमने स्कूल में फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में ओनली प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, रीडिंग्स कैसे लेते हैं, यही हमने जाना। बट एक्चुअली ये कैसे इंस्ट्रूमेंट कैसे बनते हैं, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या क्या होता है इसमें, कैसे ये वर्क करते हैं, ये सब हमने इस वर्कशॉप से सीखने को मिला है। वी ऑल नो दैट टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर वर्कशॉप, और हम सब BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और हमारे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से हमने सर्किट बनाया डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का सर्किट बनाया है, और इसके हमने बनाना फ्लक्स वगैरह हमने यूज़ किया है। सर ने हमारे को बताया कि कैसे इस सर्किट को तुम यूज़ करना है, कैसे इसके अंदर वायर्स होंगे, और सर ने शोल्डरिंग बताए थे कि कैसे शोल्डरिंग यूज़ करना है, और वायर मेल्ट होके शोल्डरिंग इसमें यूज़ करते हैं, उससे शोल्डर मेल्ट किया जाता है जिससे वर्क पीस जॉइंट हो जाते हैं। और सर ने हमारे को इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है कि कैसे हम सर्किट डायग्राम, और इवन हम जब इसको परफॉर्म करने गए सर ने बोला कि पहले तुम इसको यूज़ करके देखो। ऐसे स्टूडेंट सिर्फ रीडिंग और पीछे के कॉन्सेप्ट से ही मतलब होता है, लेकिन फाइनल ईयर तक आते आते सर ने ये जैसे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की, तो इससे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो कि सीनियर्स हैं फर्स्ट ईयर के, उनको पता चला कि कौन सा प्रैक्टिकल कैसे होता है, इसको बनाते कैसे हैं, और इसको इतने से बोर्ड को, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। यहाँ हमने रेजिस्टेंस और बनाना फ्लक्स की हेल्प से ये पूरा प्रैक्टिकल जो कि हमारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन सर्किट है वो हमने कंप्लीट किया, और ये जो वर्कशॉप 1 वीक का था इससे मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला।